नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। किसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना है? किसमें? एनिमल्स में। ठीक, ये चैप्टर का नाम है। अब पूरी कहानी पहले पैराग्राफ की समझते हैं, जो पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ है उसकी कहानी समझेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक, देखिए इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर समझते हैं, एक कोशिका एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये बिल्कुल अच्छी बात है और इसको हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा, बहुत सारे पिछले चैप्टर्स में बहुत सारे नाम लिए गए, पहले चैप्टर में नाम लिए गए, फिर दूसरे चैप्टर में नाम लिए गए, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे पढ़े। जैसे प्रोटिस्टा वाला ग्रुप जब आप पढ़ेंगे तो क्या है? ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट। अब उसमें बहुत कुछ हमने पढ़ा, जैसे कि डक्ट्रिजोफाइट पढ़ा, डायनोफ्लैजेलेट पढ़ा, यूग्लेनाइड पढ़ा, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा, फिर उसका प्रोटोजोन्स पढ़े, उन सारे के एग्जांपल आ जाएंगे। यानी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं ऑल फंक्शंस, कौन कौन से, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। जैसे कि ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रिस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया, रिप्रोडक्शन जनन की क्रिया, यानी डाइजेशन, रिस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। जाहिर सी बात है, एक कोशिकीय जीव है यानी एक सेल के बने हैं, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी जो डाइजेशन है, ये सब सिस्टम है, सिस्टम नहीं प्रोसेस चलेगी यहाँ पे। डाइजेशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन ये कहाँ होगा? सिंगल सेल से होगा। सिंपल बात है तो बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन बता रहे इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सी बॉडी हो? कॉम्प्लेक्स हो। अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यही चीज यानी सेम फंक्शन परफॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, किससे होगा ये? यही चीज किससे होगी? कहेंगे डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड इन मैनर। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे होंगे? वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, संगठित होंगे, है ना, ऑर्गेनाइज्ड इन मैनर। ठीक ना, इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और ये बात पहले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। पहले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था ना कि इंटरैक्शन और इमरजेंट की प्रॉपर्टी, मतलब आपसे कहा था कि वहां पर उन्होंने बताया, एनसीईआरटी में लिखा है, कहीं और नहीं, उन्होंने कहा था कि यानी कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं होती। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो टिश्यू की प्रॉपर्टी आई कहां से? जब सेल में ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इंटरैक्शन हुआ, और एक इमरजेंट प्रॉपर्टी आई, वो हो गई टिश्यू की प्रॉपर्टी। ठीक इसी तरह से फिर उन्होंने बताया कि जो सेल की प्रॉपर्टी है वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स में नहीं होती, लेकिन सेल की प्रॉपर्टी आई कहां से? जब सेलुलर ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाए। ये पहले ही कहानी से चल रही है। अब फिर देखिए यहां पे फिर उसी बात को दोहराएंगे, ये बार बार एनसीईआरटी वाले खुद को कई बार रिवाइज कराते हैं। ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेम फंक्शन डाइजेशन, रिस्पिरेशन या फिर रिप्रोडक्शन का परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आगे बता रहे हैं, जैसे आप ले सकते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। कौन सा? हाइड्रा। इनकी जो बॉडी है, कह रहे हाइड्रा की बॉडी है मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, क्योंकि टिश्यू सिस्टम हमने सब शुरू किया था तो यहीं से। देखिए पोरिफेरा में हमने क्या पढ़ा था? एकदम ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लूज सेल एग्रीगेट, याद आ रहा है शब्द? पेज नंबर आ जाइए एकदम, देखिए याद आना चाहिए, नहीं याद आएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना, वही वो वाला बोर्ड होता तो फट से दिखाते एकदम जर्र से एकदम ऐसे सरका के। चलिए कोई बात नहीं, पूरी फेरा पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, उसका मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन जब हम टिश्यू में पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेल एंड टेटा में, तो इसमें यहां पर ही पहले ही बता दिया गया है यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही तो हाइड्रा में क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल्स कैन बी 1000। नंबर ऑफ ईच टाइप्स, सॉरी नंबर ऑफ ईच, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, मतलब एक टाइप की सेल्स फिर दूसरे टाइप की सेल्स, यानी और कह रहे हैं क्या, नंबर ऑफ ईच टाइप्स कैन बी 1000, हजारों में हो सकती है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। किसमें? हाइड्रा में, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा की हम बात करें तो इनकी बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है और नंबर ऑफ ईच टाइप सेल कैन बी 1000, हजारों में हो सकते हैं। अब आ जाइए इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एलॉन्ग विथ, याद रखिएगा कौन सा ग्रुप? सिमिलर सेल्स का ग्रुप, एलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस।
along with intercellular substances. Substances पढ़िए, है ना, कुछ लोग इसको substance बोलते हैं, substances है ना, या substances बात एक ही है. Perform a specific function. क्या perform करते हैं? Specific function. और scarred, हम इसे क्या कहेंगे, इस ग्रुप को टिश्यू कह देंगे. क्या नाम दे देंगे? टिश्यू नाम दे देंगे. बात को समझिए, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? टिश्यू. कोई दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल नहीं. एकदम जैसे जैसे लिखा ना, एकदम कहानी की तरह पढ़ना होता है, आराम से एकदम एक बार कम से कम समझना होता है बस. उसके बाद कभी जिंदगी में समझने की जरूरत वाली नौबत नहीं, फिर बार बार रिवाइज करिए, याद करिए, यही तो बचता है. कह रहे हैं इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ये जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ, है ना, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कह देंगे? टिश्यू कह देंगे. क्या कह देंगे? टिश्यू कह देंगे. तो टिश्यू क्या, टिश्यू की डिफिनेशन भी बन गई यहां. टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक, यहां क्या बता रहे हैं, यहां पे कि यूनिसेलुलर एनिमल में सभी फंक्शन सिंगल सेल में होंगे, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन. फिर बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यही वाले फंक्शंस डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स में होंगे. अब ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होगा? कहेंगे टिश्यू होगा. और वही बता रहे हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर टिश्यू बन जाता है. जैसे एग्जांपल सिंपल ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं हाइड्रा में बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और ईच टाइप्स कैन बी 1000. और इस टाइप्स की जो सेल्स हैं वो कितने हो सकती हैं? 1000 में, यानी एक टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, इस तरीके से कितने हो सकते हैं? हजारों में हो सकते हैं. ठीक, आ जाइए इस तरीके से. कह रहे हैं इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे? टिश्यू. अब कह रहे हैं इन ऑल, ऑल मतलब सभी, ठीक है, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल है, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ, है ना, किससे बने होते हैं? ओनली फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज. कितने? केवल फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, फोर बेसिक टाइप के. कितने? चार. कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हो उनकी जो बॉडी है, यानी ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, किसी को भी ले लीजिए. भाई कहां तक हमने पढ़ा था? हाइड्रा से शुरू करिए, हाइड्रा तो सिंपल में आ जाएगा. चलिए प्लेटी एलिमेंथिस को आप टीनो फोरा को सिंपल में काउंट कर लीजिए, लेकिन एसके एलिमेंथिस से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, उसमें ऑर्गेनाइजेशन और वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होते हैं. ठीक, यानी वहां से संगठन थोड़ा और बढ़ जाता है. और एनिलिडा आ जाइए, अर्थोपोड आ जाइए, यहीं से तो पढ़ेंगे हम एनिमल्स को. कहां तक पढ़ेंगे? पूरा कार्डेटा तक पढ़ेंगे. कार्डेटा में भी वर्टिब्रेट के हायर लेवल तक पढ़ेंगे क्लासेस में, जैसे कि मैमल, सबसे भाई सबसे राजा आदमी कौन? मैमल ही तो है, और बाकी किसको वहां कुछ कुछ समझता ही नहीं है मैमल वाले लोग, है ना. मैमल में भी ह्यूमन बींग्स सबसे खतरनाक. तो यानी ये क्या बता रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हो कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर बेसिक टाइप ऑफ फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से बने होते हैं. अब कह रहे हैं कि टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होंगे. ये जो टिश्यू होते हैं, ये जो टिश्यूज हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, पहले वो बता रहे हैं, फिर क्या करते हैं वो बता रहे हैं. देखिए, टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मींस रेशियो, अनुपात, है ना, एंड पैटर्न. किसमें? टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन्स. क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, सॉरी ऑर्गन्स. क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट और किडनी. इसी तरीके से और भी चीजें, इसलिए लिखा गया इटीसी. ठीक, इसका मतलब आप पूरी पूरी बात कहानी समझ गए कि टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन बनाते हैं. यानी अब यही टिश्यू जब एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में ऑर्गेनाइज होंगे तब ऑर्गन बनेगा. ये नहीं कि दो तीन टिश्यू मिला दिया, लो ऑर्गन बन के तैयार, अब उसमें डाल दिया खाना, लो पचाओ यार तुम स्टमक हो गए हो, ऐसा नहीं होगा. ये क्या हो रहा, ये बॉडी के ग्रोथ के साथ ही ऐसा सब कुछ होता है. यानी कि जब एम्ब्रियोनल कंडीशन होती है उसी समय से सब कुछ होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो यहां पे टिश्यूज क्या कह रहे हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट. ठीक है, लंग्स, हार्ट, किडनी एटसेट्रा, किडनीज लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, बहुवचन सिंगल वचन का मामला है, बस इतना. ठीक, इस पूरी बात को नोट कर लीजिए. अब आगे चलिए, कुछ बातें और लिखते हैं. ठीक, आगे और कुछ बातें करते हैं, पहले इस बात को पूरे अच्छे से नोट कर लीजिए. चलिए आगे बता रहे हैं, व्हेन टू आर मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. अब यहां पे देखिए, वहां क्या था, टिश्यूज की बात चल रही थी, अब
आर्गन बन चुके हैं, टिश्यू के इंटरेक्शन से क्या बना आर्गन। अब आर्गन क्या कह रहे हैं, व्हेन टू आर मोर आर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन, ठीक, बाय दियर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से फॉर्म और ये मिलकर क्या बनाएंगे आर्गन सिस्टम, और इससे आर्गन सिस्टम बन जाता है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक आर्गन्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पर स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल पूरी है ना, जगह जगह आर्गन्स आपको मिलेंगे, यानी इसका मतलब जब बहुत सारे आर्गन मिलेंगे तो क्या होगा आर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक, और ये परफॉर्म करेंगे एक कॉमन फंक्शन, और फंक्शन जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया, इस तरह से एक सिस्टम बनेगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जब सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होगा, टिश्यू जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा आर्गन, जब आर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम। यही आर्गन सिस्टम, ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ये अब इसके फंक्शन पे, जैसे कोई आर्गन सिस्टम क्या कर डाइजेशन का काम, तो ये आर्गन सिस्टम क्या हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यहाँ रेस्पिरेशन का काम तो क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। पूरी बात क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं एनिमल टिश्यूज चार टाइप के होते हैं, कितने, चार टाइप के, ठीक। तो अब पहले पहला दूसरा पैराग्राफ आराम से इसको पढ़ लेते हैं, क्या बात है इसमें जरा देखते हैं बहुत ढंग से। कह रहे इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स, यानी पहले के चैप्टर्स में, अध्याय में, पाठ में आपने देखा, यू केम अक्रॉस द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इसमें ऑफ एनिमल किंगडम्स, यानी एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में ही हमने देख लिया था सब। कह रहे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सम बेसिक, यानी सेम बेसिक, सम नहीं, सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ groups of cells in a well organized manner, ठीक ना। कह रहे हैं द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, बिल्कुल, एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप्स कैन बी थाउजेंड्स, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये सब आराम से बात समझ में आ रही है। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टूगेदर, कैसे काम करती है, तो आगे फिर बता रहे हैं, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक। यू मे सरप्राइज्ड, आप कह रहे हैं आप सरप्राइज्ड, अचंभित, आपको आश्चर्य होगा, कैसे, यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ फोर, लिखा है ना, कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर, केवल और केवल चार बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज, दिस टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स और हार्ट एंड किडनी, इस तरीके की बात हो गई। व्हेन टू आर मोर ऑर्गन्स परफॉर्म कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड या फिर और केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ये क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल। अब आगे चलते हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, यानी एनिमल टिश्यूज में फोर टाइप्स के होते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ठीक। अब चलते हम लोग कहां, यहां पर इपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इपिथेलियल। अब जरा इसको पहले पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसका नोट्स इसका तैयार करेंगे। कह रहे हैं वी कॉमनली इपिथेलियल टिश्यू, पेज नंबर 101। अच्छा ये वाला पैरा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पढ़ लेते हैं, द एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट, आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू फोर टाइप्स, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। आगे बताया जा रहा है कि इपिथेलियल टिश्यू, वी कॉमनली रिफर टू एन इपिथेलियल टिश्यू एज अ इपिथेलियम, इसका जो प्लूरल होगा, यानी इपिथेलियल टिश्यू को आप कॉमनली कह सकते हैं इपिथेलियम या फिर इपिथेलिया, ठीक, इपिथेलिया बस बहुवचन है। कह रहे हैं द टिश्यू, द नहीं लिखा, टिश्यू, ठीक, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सर्फेस, इपिथेलियल की बात चल रही है, दिस टिश्यू हैज फ्री सर्फेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूड और आउटसाइड इन्वायरमेंट, या तो बॉडी फ्लूड की तरफ फेस होगा उसका या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट के, बाहर इन्वायरमेंट की तरफ,
आगे बता रहे एंड दस, और इस प्रकार क्या करता है, प्रोवाइड्स अ कवरिंग, एक कवर बनाता है, या फिर लाइनिंग, लाइनिंग बनाएगा फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, कुछ हिस्सों में, ठीक है, कुछ भाग में बनाएगा। आगे बता रहे द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है इसमें विथ लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स, ठीक। देर आर टू टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, नेमली सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग, बनाना क्या है इनका, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ठीक। द कंपाउंड इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर सेल टाइप्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन, जैसा कि हमारे स्किन में। अब चलते हैं इस पैराग्राफ को नोट से समझते हैं क्या ये कह रहे हैं, पूरी बात कहानी समझिए, ठीक है ना। पहले इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इपिथेलियल टिश्यू पूरा एक सीरीज से हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बातें एकदम बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिए। एनिमल टिश्यू चार टाइप के होते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव मस्कुलर और न्यूरल। इपिथेलियल, कनेक्टिव मस्कुलर, न्यूरल, भैया चार बेसिक टाइप के टिश्यू कौन होते हैं, अरे याद नहीं आ रहा। इपिथेलियल, कनेक्टिव मस्कुलर, न्यूरल। इपिथेलियल, कनेक्टिव मस्कुलर, न्यूरल, क्या इसके लिए भी फार्मूला बनाएंगे? अरे नहीं नहीं, इसके लिए कोई वो न्यूमोनिक्स मेमोनिक्स नहीं याद बात करने वाला। इपिथेलियल, कनेक्टिव मस्कुलर, न्यूरल, 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 इपिथेलियल, कनेक्टिव मस्कुलर। इतना याद करिए, याद करते करते एकदम देखिए जब तक मुंह से खून ना आ जाए, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, का समझे हैं? नोट करिए, आप नोट करिए पहले, चलिए अब आगे हम बात करेंगे इपिथेलियम या फिर इपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। अभी हमने नोट्स में देखा उसमें क्या लिखा हुआ, उसी को हम लोग अब पूरा अच्छे से याद कर लेते क्या है मामला। कह रहे इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियम आपको पता ही चल गया ये क्या है, कहेंगे इसमें भैया जो होगी फ्री सरफेस होगी, पहली बात, यानी इस टिश्यूज में क्या होंगे भैया, ये जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनमें होगा फ्री सर्फेस, यानी इट हैज, इपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सर्फेस, इस पर फ्री सर्फेस होगा। फ्री सर्फेस मतलब, जाहिर सी बात है, फ्री सर्फेस का मतलब इधर कोई चीज अटैच ना हो इस सर्फेस, जैसे ये इस तरीके से अगर स्पेशल है तो इधर कोई चीज ना अटैच हो, इधर भले ही कुछ अटैच हो, तो इसका एक सर्फेस क्या है, यह है फ्री, बात समझ में आ रही, ये इस तरीके की बात है इसमें, ठीक। इधर भले ही वो किसी और चीज से अटैच हो चलेगा, लेकिन इधर की सर्फेस फ्री हो, ये हो गया फ्री सर्फेस वाला मामला, एकदम क्लियर है। कह रहे हैं विच फेसेस, या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट। बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड समझते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड में क्या है, ये ब्लड वेसल्स, इसमें क्या है, ब्लड है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, इपिथेलियम, इस तरीके से यहां इपिथेलियम, तो इसका एक फेस किधर की तरफ है, इस फ्लूइड की तरफ, और ये इस क्या है, बॉडी फ्लूइड, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से, ठीक। टिश्यू फ्लूइड अलग होता है इसी तरीके से, टिश्यू फ्लूइड मतलब ये वाला, यानी जो सेल्स हैं इस तरीके से अरेंज होंगे और इसमें ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और इनके फ्लूइड हो गए, ये क्या कहे जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड कहे जाएंगे, एकदम क्लियर है सब, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, यानी अब यहाँ पे जो इपिथेलियम है, ये इस वाली सर्फेस पे इपिथेलियम अगर आप बड़ा बड़ा बना ले इस तरीके से, तो आप पाएंगे क्या है, ये इपिथेलियम की लेयर है। अब आपको बाद में पता जाएगा कि ये सिंपल स्क्वैमस होती है, ठीक है, अभी रुके रहिए, ठीक जी। ये क्या, इसका फेस किधर की तरफ है, बॉडी फ्लूइड की तरफ, ठीक। अच्छा, अब कह रहे हैं या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट। आउटसाइड इन्वायरमेंट वाला एग्जांपल कहां से देखने को मिलेगा, ठीक, बक्कल कैविटी में, जो आप माउथ की कैविटी है ना, इसमें जो इपिथेलियम लेयर है वो देखिए इन्वायरमेंट के टच में है। तो इस तरीके से जगह जगह ये चीजें पाई जाएंगी बॉडी में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब ये सिंपल स्क्वैमस पढ़ेंगे, ये देखिए स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये अपने सिलेबस में यहां नहीं है, होती है अलग बात है, होती है वो डिटेल नॉलेज जिसके पास है, ठीक है, लेकिन वो पूछा ही नहीं गया एकदम 2010 से लेके अब तक पूछा ही नहीं गया। तो आप अगर कहीं पढ़ रहे होंगे सिंपल स्क्वैमस में, सिंपल इपिथेलियम में, अभी टाइप पढ़ेंगे ना स्क्वैमस, तो स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक। पूरी कहानी क्या हो गई, इट हैज फ्री सरफेस, ठीक है, विच फेसेस, या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट। कह रहे हैं सेल्स कंपोज्ड, अच्छा, प्रोवाइड क्या करती है, कवरिंग बनाने का काम या फिर लाइनिंग। देखिए क्या है, एक लाइनिंग बनाती है ये, और कहीं कहीं पर ये ऊपर की तरफ से कवर बनाएगी, ठीक, बात समझ में आ रही,
बिल्कुल, यानी कवरिंग और लाइनिंग बनाना, इनका काम क्या है, कवरिंग और लाइनिंग बनाना, कमवा कवरिंग और लाइनिंग बनाना। इपिथिलियल टिश्यू में फ्री सरफेस आएंगे, आएंगे भैया बहुत अच्छे से आएंगे। देखिए फ्री सरफेस विच हैज फेसेस किधर की तरफ होगा, बॉडी फ्लूइड आउटसाइड एनवायरमेंट, बॉडी फ्लूइड आउटसाइड एनवायरमेंट, बॉडी फ्लूइड आउटसाइड एनवायरमेंट, बॉडी फ्लूइड आउटसाइड एनवायरमेंट, एकदम मर जाएंगे रटते रटते। कहेंगे प्रोवाइड्स कवरिंग या फिर लाइनिंग, क्या करती है, कवरिंग बनाती है या फिर लाइनिंग बनाती है, कवरिंग या फिर लाइनिंग, कवरिंग या फिर लाइनिंग, बहुत सही। सेल्स इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, कैसे पैक्ड होती है भैया, कॉम्पैक्टली, बहुत जोश में आ जाइए, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी इसमें ये सेल्स देखिए एकदम कॉम्पैक्टली पैक होगी, और ये देखिए बीच में थोड़ा थोड़ा केवल ये थोड़ा थोड़ा जो स्पेस बचा, यही ये लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होंगी, इसमें सब्सटेंसेस यानी मैट्रिक्स वहां पे, ठीक है, इसकी भाषा में हो गया, यानी सेल्स कॉम्पैक्टली पैक होंगी विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, यानी इपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो इट इज फ्री सरफेस, कैसे सरफेस, फ्री सरफेस, उसका फेस किधर की तरफ होगा, कहेंगे या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ या आउटसाइड एनवायरमेंट की तरफ, प्रोवाइड क्या करेंगे, कहेंगे कवरिंग या फिर लाइनिंग, क्या प्रोवाइड करेंगे, कवरिंग बनाएंगे या लाइनिंग, कवरिंग या फिर लाइनिंग। सेल्स इसमें कॉम्पैक्टली पैक होगी विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, कह रहे हैं टाइप्स इसकी, इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक होगा नाम सिंपल इपिथेलियम और एक होगा नाम कंपाउंड इपिथेलियम, सिंपल और कंपाउंड, देखिए क्या नाम आ गया, इपिथेलियम के साथ सिंपल और यहां पे कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड इपिथेलियम, सिंपल और कंपाउंड इपिथेलियम, इनके टाइप होते हैं इपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप, सिंपल और कंपाउंड इपिथेलियम, और कंपाउंड सिंपल इपिथेलियम की बात कर रहे हैं, आप किसकी हम बात कर रहे हैं, सिंपल की, चलिए तो सिंपल हो जाएगा, उसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, याद रखिए इसमें क्या होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तो होगा सिंपल, एस फॉर सिंग, देखिए सिंपल सिंगल, सिंपल सिंगल, सिंपल सिंगल, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है, वाह लग रही है, यानी सिंपल सिंगल, सिंपल सिंगल, सिंपल सिंगल, बहुत सही, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स की लेयर तो है ही होंगी भैया, कहे नहीं होंगे, सिंपल सेल ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, बिल्कुल, यानी कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपोज्ड ऑफ सिंगल, सिंपल सिंगल, वेरी गुड। कह रहे इनका फंक्शन बताइए, तो लाइनिंग बनाना, इनका काम क्या है, लाइनिंग बनाना, इनका काम लाइनिंग बनाना, सिंपल सिंपल लाइनिंग, सिंपल सिंपल लाइनिंग, सिंपल सिंपल लाइनिंग, सिंपल सिंगल लाइनिंग, एकदम याद रह गया, देखिए एकदम मिलता जुलता कविता लिखी गई है, एकदम बढ़िया एनसीईआरटी वाले लिख के धरे हैं, कैसे, सिंपल सिंगल लाइनिंग, वेरी गुड। आगे देखिए कहां पे लाइनिंग, किसके लिए, बॉडी कैविटी, अब ये क्या हो गया, बक्कल कैविटी, आपने नोजल कैविटी पढ़ा होगा, ये सब क्या है, बॉडी कैविटी, अच्छा यानी कैविटी के साथ साथ बॉडी भी लगाया, तो बॉडी कैविटी में समझते हैं, देखिए कैविटी तो ठीक है, ये बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, इस समय पाया जाएगा, अलग बात, और साथ ही साथ और कहां, कह रहे हैं बॉडी कैविटी, अब आप याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे सीलोम, क्या पढ़ रहे थे, सीलोम, तो वहां पर बॉडी कैविटी शब्द आया था, आया था कि नहीं आया था, अरे कहे नहीं आया था, कहां मजाक कर रहे हैं, बहुत आया था, चलिए देख लेते हैं, ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल यहां से गुजरी, एलिमेंट्री कैनाल यहां से गुजरी, हम ऐसे मान लेते हैं ये बॉडी को हमने कट कर दिया बीच में से, ऐसे तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे, बिल्कुल ये, और ये जो चीज यहां से यहां तक है ये बॉडी वॉल, ये एलिमेंट्री कैनाल, और इसके बीच में ये जो क्या है, कहेंगे ये बॉडी कैविटी होती है, हम वहीं पे वहां पे बताया गया था, उसको गोल गोल बना के बताया गया, यहां पे क्या गोल गोल करके बताया गया था, गोल गोल करके ऐसे वाला करके बताया गया था, ये ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये देखिए सिलोम, वही चीजें यहां है, वही चीज है यहां, ये होती है बॉडी कैविटी, तो इसकी लाइनिंगिया पे इधरों और इधरों, इधर दोनों तरफियां, और ये एलिमेंट्री कैनालों में पाई जाएंगी जगह जगह, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, दूसरा नाम बोल दिया जाएगा, ये जगह जगह क्या है, ये देखिए इधर और इधर, यही पाई जाती है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जैसे कि बॉडी कैविटी में डक्ट्स, अब ये डक्ट्स क्या होती है, जो ग्लैंड्स होती है उनमें डक्ट्स होती है, है ना, अब ग्लैंड्स भी दो टाइप की होंगी, वो अभी आएगा इन्हीं इसी चैप्टर में, इसी अगले पेज में रखा, ठीक है, तो डक्ट्स, ठीक, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इनको ट्यूब नहीं बोला जाता, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम किसके लिए, ग्लैंड्स में यूज किया था, ग्लैंड्स के पास डक्ट होती है, एक होता डक्टलेस, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इस तरह से एंडोक्राइन वाली होती है डक्टलेस, उसमें डक्ट नहीं पाई जाती, जहां ग्लैंड उसका सिक्रेशन उसी में, ठीक, यानी एक फ्लूइड उसी का, उसी में ग्लैंड और सिक्रेशन बाहर की तरफ, जबकि ट्यूब्स कहां होगी, यानी ट्यूब्स एक्सो, जबकि एक्सोक्राइन कहां बोलेंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इस तरीके से बात करते हैं ना, एक्सो वाला और एंडो वाला, तो दोनों अभी आएगा, घबराइए मत, घबराइए मत, एकदम घबराने की जरूरत है, जो चीज पहले दे रखे पहले उसको हम समझते हैं, यानी कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कह रहा फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट्स और ट्यूब्स, ट्यूब्स कितने भैया, जो ब्लड वेसल्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स है, ये सब ट्यूब ही तो है, ये सब क्या है, ट्यूब है, उसमें भी ये पाए जाएंगे, सिंपल इपिथेलियम, बात समझ में आ रही पूरी अच्छे से, एकदम कहानी, बिल्कुल कहानी की तरीके, तो किसके लिए लाइनिंग, किसके लिए,
बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब्स के लिए, किसके लिए लाइनिंग बनाएंगे? बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब के लिए, बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब के लिए, बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब के लिए, बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब के लिए। याद करना है भाई, जाहिर सी बात है, समझने के बाद बचा क्या, याद करना तो वही तो करना है, बातें खत्म। चलो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, बिल्कुल सही बात है। फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब, बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब, बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब, एकदम पूरा बॉडी कैविटी डक्ट्स और ट्यूब। बात को समझिए, यहां पे अब कह रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, अगर इसके स्ट्रक्चर में बताया ना मॉडिफाइड हो जाते हैं और नमूना अलग अलग बदल दिया जाता है, यानी इसमें कह रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाए, किसका, सेल्स का, किसका हो जाए भैया, ये जो सेल्वा है ना, यही का सेल्वा, कोशिका का, इसका मॉडिफिकेशन हो जाए, कैसा, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। तो ये कितने टाइप की होती है, कहेंगे तीन टाइप की, कुल तीनिया का तीन चाल, बात को समझा है ना, कितने टाइप की हो जाएंगे, तीन टाइप की होती है, तीन टाइप की, एक नाम आ जाएगा स्क्वैमस, एक नाम आ जाएगा क्यूबॉइडल, और एक नाम आ जाएगा इनका, ये कॉलम लाइक, यानी कॉलमर, ठीक, कॉलमर या कॉलमनर कह लीजिए या कॉलमनर कह लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो, यानी स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमर। अब देखिए, आप सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोल सकते हैं इसको, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल सकते हैं, सिंपल कॉलमर एपिथेलियम बोल सकते हैं। बात पूरी क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब पूरी कहानी, सिंपल एपिथेलियम हम क्या पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू, एकदम ये वाली कहानी एकदम याद है, क्या होगा, इट हैज फ्री सरफेस व्हिच फेसेस बॉडी फ्लूइड या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कवरिंग या फिर लाइनिंग, सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, होंगी टू टाइप्स की होती है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, उसकी तो अभी बात नहीं करी गई, सिंपल एपिथेलियम बताया जा रहा है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, बात को समझिए, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, फंक्शन एज अ लाइनिंग होती है बॉडी कैविटी के लिए, डक्ट्स के लिए, ट्यूब्स के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, जो सेल्स होती है उसमें तीन टाइप्स की होती है, इसका स्ट्रक्चर, ये जो टिश्यूज होते हैं वो कितने टाइप के, तीन टाइप के, कितने, तीन टाइप के, जो ये टिश्यूज है कितने टाइप के, तीन टाइप के, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमर, ये सिंपल वाले हैं, ये सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमर, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमर, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमर, सिंपल क्यूबॉइडल, देखिए एकदम नाम धड़ाधड़। आ जाइए अब कंपोज्ड एपिथेलियम की हम बात करते हैं, कंपोस्ट एपिथेलियम, ये याद करने वाली चीज है, वहां तो आराम से समझने वाली बात थी, इसलिए कथा हो रही थी अभी पांच मिनट पहले, पांच सात मिनट पहले, अब यहां पे एकदम अंधाधुन चलेगा। कंपाउंड एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर, देखिए सेल्स लेयर, एक से दो या दो से अधिक सेल्स की लेयर दर लेयर रहेगी, याद रखिए, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, यानी इस तरीके से लेयर बनेगी, क्या होगा, कंपाउंड, 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 क्या बोलेंगे इसको, कंपाउंड एपिथेलियम, यहां पे सिंपल, यहां पे कंपाउंड, इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर, टू आर मोर, टू आर मोर सेल्स लेयर, सेल लेयर्स, लेयर्स, याद रखिए, सेल लेयर्स, सेल लेयर्स, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरीके से, इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर सेल लेयर्स, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी प्रोटेक्टिव, यानी फंक्शन एज अ प्रोटेक्टिव, जो कहां पे, जैसे कि हमारे स्किन में, हमारे स्किन में ये पाई जाती हैं, कंपाउंड एपिथेलियम, और कहां होती है भैया, स्किन, स्किन, ये, ये, ये चमड़ा है ना, बिल्कुल चमड़ा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, तो आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो गए, इसमें कुछ नहीं याद करने वाला जैसा है, ये तो कंपाउंड टू आर मोर लेयर सेल की, ठीक है, फंक्शन इनका प्रोटेक्टिव है, जैसे कि हमारे यहां पे एकदम बिल्कुल इसमें है ना, समझ आ रही बात, एकदम याद रखिए आवर स्किन, पूरी कहानी को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, पहले पैराग्राफ को हम लोग यही पढ़े थे अभी, ठीक है, पहले पैराग्राफ में पूरी यही कहानी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, दीज आर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल स्क्वैमस, इसकी बात करेंगे, ठीक, इतना नोट कर लीजिए पूरे अच्छे से। चलिए आगे हम बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस, ठीक, अब सिंपल स्क्वैमस के बारे में बात चलिए, कह रहे हैं ये मेडअप ऑफ सिंगल थिन लेयर, किसकी बनी होती है, थिन लेयर की, मेडअप ऑफ सिंगल, जाहिर सी बात है सिंपल की बात है, मतलब है सिंगल लेयर, बात है खत्म, तो अब सिंपल को क्या याद रखना, थिन लेयर, हाँ याद रख लेंगे, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, कौन सी सेल, फ्लैटेंड, फ्लैटन सेल होंगी, एकदम चपटी चपटी सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्री, यानी जो इनकी बाउंड्री है उनका कोई शेप फिक्स नहीं होगा, यानी ये देखिए इसमें इस तरीके से बना लीजिए, बनाना आपकी कॉपी में किताब में इस तरीके से, ये फ्लैटेंड सेल दिखा ना, ए वाला जिसको दिखाया गया है, ए वाला यही है, ठीक। चलिए
कह रहे कहां पाई जाती है, एकदम कोई याद है नहीं, एकदम सिंपल इसका मतलब पिथिलियम सिंगल लेयर बात ही खत्म, सिंपल है का मतलब सिंगल लेयर, क्या दिक्कत है। कह रहे ठीक है, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, कौन सी सेल, फ्लैटेंड फ्लैटी चपटी चपटी सेल्स होंगी, इररेगुलर बाउंड्रीज, जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, इररेगुलर है बाउंड्री इनकी, है तो लेकिन इररेगुलर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है, बाउंड्री है लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं है उसका, यानी इररेगुलर बाउंड्रीज। आ जाइए कहां पाई जाती है, कहेंगे वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है ना, वॉल्स ऑफ, वॉल्स ऑफ कहां पे, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, ठीक, कहां पे, जैसे आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरी में, यहां पाई जाती है, फाउंड इन ब्लड, फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स क्या होती है, आर्टरी होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना हार्ट वाला स्ट्रक्चर, ब्लड सर्कुलेशन, तो वहां पे हम पता चलेगा सब सारी बातें। एयर सैक लंग्स में, जिसको हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं ऑफ लंग्स, इसमें भी पाई जाती है ना, कोई दिक्कत, यानी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पाई जाएंगे कौन सी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी स्क्वैमस ब्लड वेसल्स, स्क्वैमस, देखिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपसे बार बार यही पूछा जाएगा, और इसका काम क्या कहेंगे, फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब यानी इस सरफेस से जो गैसेस ऊपर या नीचे या फिर कुछ ऐसे भी लिक्विड, लिक्विड मटेरियल भी होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आने जाने ही नहीं देगा किसी को, वरना काम है का उसका, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, यानी इसलिए क्या बनाती है, डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन की बाउंड्री बनाती है, कुछ इधर से इधर आएगा डिफ्यूज होकर, कुछ उधर से उधर आएगा, ठीक। गैसेस तो बिल्कुल होती है भैया, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो एल्वियोलाई में जाती है, फिर ट्रांसफर करी जाती है कहां तक, जाके टिश्यूज में, बात समझ आ रही, यही तो होता है वहां पे प्रोसेस, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, यानी फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री, ये क्या बनाएंगे, डिफ्यूजन की बाउंड्री बनाती है, पूरी कहानी इनकी सिंपल स्क्वैमस की है, यानी मेटअप ऑफ थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इररेगुलर बाउंड्री, विथ इररेगुलर बाउंड्री, विथ इररेगुलर बाउंड्री, विथ इररेगुलर बाउंड्री, फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, एयर सैक, ब्लड वेसल्स, एयर सैक, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, ब्लड वेसल्स, एयर सैक, सिंपल स्क्वैमस, ब्लड वेसल्स, एयर सैक, क्या याद करना है, बिल्कुल काहे नहीं याद करना, क्या इसको लिए जुगाड़ बनाएंगे, अरे काहे का जुगाड़, हर चीज के लिए जुगाड़ बनाएंगे तो पेपरों खाते जुगाड़ बना ले, काहे पढ़ रहे हैं, बात को समझिए, कौन ऐसा जुगाड़ बना लीजिए, वहां गए हो गया काम खत्म, यानी फाउंड इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक में, एयर सैक का मतलब एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, याद रहेगा बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस, ब्लड वेसल्स, एयर सैक, 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 कहीं नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा, सिंपल स्क्वैमस, ब्लड वेसल्स, एयर सैक, ब्लड वेसल्स की कहां, वॉल्स में, कहां, वॉल्स में, वॉल्स में, एयर सैक में, एयर सैक में, एयर सैक में, एकदम याद रहेगा बिल्कुल, एयर सैक यानी एयर सैक या एल्वियोलाई कहां, लंग्स में, क्या बनाती है, डिफ्यूजन बाउंड्री। अब आ जाइए बात करते हैं हम लोग किसकी, सिंपल क्विबॉर्डल एपिथेलियम, नाम में से क्लियर है, क्यूब लाइक सेल्स होंगी, कौन सी सेल, ये देखिए क्यूब लाइक सेल्स आपकी किताब में बनाया गया है, क्यूब लाइक सेल्स होती है इसमें, कौन सी सेल, सिंगल लेयर, बात ही खत्म, सिंगल तो होंगी, सिंपल है तो सिंगल नहीं होंगी, सिंपल लोग सिंगल ही रहते हैं भाई, जो सिंपल लोग रहते हैं वो हमेशा सिंगल रहते हैं, उनको कोई मौका नहीं देगा, और जो थोड़ा टीम टाम कर लेते हैं अपना हेयर कट ऐसे वैसे, वो डबल हो जाते हैं, लेकिन वो डबल होके ना फिर उसका सिंगल हो जाते हैं बाद में, फिर वो गाना वाना गाते हैं, फिर दारू सिगरेट पीते हैं, तो सिंपल वाले ज्यादा बेहतर है, तो सिंपल वाले पे नजर है वो बढ़िया, यानी सिंपल क्विबॉर्डल, सिंपल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, कौन सी, क्यूब लाइक सेल्स होंगी, इसमें फ्लैटेंड सेल, इसमें क्यूब लाइक, नाम से क्लियर हो गया, कहां पाई जाती है, कहेंगे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती है ना, ग्रंथियां जिसको कहते हैं ना, सल्वरी ग्लैंड्स नाम आएगा कहीं कहीं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स है ना, सल्वरी ग्लैंड्स हार्मोन से निकलने, जैसे थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन से क्रिएट होते हैं, पीनियल ग्लैंड इस तरीके से नाम आएगा है ना, तो इस तरीके से नाम आएगा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, तो कुछ देखिए अब वहां पे बात आएगी ना कि किसी में डक्ट्स होगी किसी में नहीं होगी है ना, पेज नंबर इस पे जाइए, देखिए किसी में डक्ट्स होगी किसी में नहीं होगी, तो आगे बता रहे हैं ग्लैंडुलर, चलिए एक्सोक्राइन जो कि क्या होती है, डक्ट्स होती है, एंडोक्राइन जो कि हार्मोन सिक्रीट, तो हार्मोन सिक्रीशन वाली जो डक्ट, हार्मोन सिक्रीशन वाली जितनी भी ग्लैंड है उसमें डक्ट्स नहीं पाई जाती, इसलिए उसका नाम होता है डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक, तो हार्मोन के सिक्रीशन वाली नहीं, लेकिन हाँ बाकी जो ग्लैंड होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी ग्लैंड होती है, नाम आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, तो गोब्लेट सेल भी आएगा, उसी में बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे यहां पर दो नाम आएगा आपका यहीं पर, ठीक है ना, एक तो सल्वरी ग्लैंड आ जाएगा और दूसरा नाम, दूसरा नाम, दूसरा नाम यहां नहीं आएगा, जहां आएगा वहीं हम बता दीजिए, ठीक है ना, ठीक,
चलिए जो नाम आए पहले उसको पढ़ना, अपने मन से ज्ञान नहीं लेना लगना है एकदम धर के, परेशान हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल नरक मच जाएगी जिंदगी एकदम। अब बहुतों की बन चुकी है इस समय, अब वो इधर उधर पगलाए पगलाए घूम रहे हैं, क्या करें। सिंपल क्विबॉडल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ क्यूबलाइक सेल्स फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जानते हैं, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है या एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है नेफ्रॉन्स, है ना। इसमें आता है पीसीटी, हेलने लूप, डीसीटी आएगा, कहीं घबरा रहे, वहां पर पता जाएगा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, बड़ा मजेदार होता है उसका पढ़ना, ठीक है। फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ट्यूब, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, है ना। नेफ्रॉन्स पढ़िए इसको आप, नेफ्रॉन्स, हम इसको नेफ्रॉन्स पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तरीका थोड़ा अलग, आपका अलग बतिया, लेकिन वही है, ठीक। चलिए फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन, बाईस बात, इसमें सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता था, खूब दर दर क्यों होता है, है ना। अब बेर बेर एनसीईआरटी वाले अपने आप को बदलते भी रहते हैं, पहले लिखते थे कुछ ऐसे ऐसे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता था, अब लिखते हैं ऐसे ऐसे होता है। 2017 से पहले, मतलब 2017 क्या, 2015-16 से पहले जब वो सप्लीमेंट्री एड नहीं था तब, तो पहले कुछ और तरीका था, अब कुछ और तरीका है, होता है भाई, तरीका बदल जाता है, ठीक। तो सिंपल क्विबॉडल एपिथेलियम, और 2022 की जो बुक है वो एकदम लेटेस्ट है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं कहीं चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास 2022 की है वो नई है, कुछ शब्द आपको पिछली वाली और इसमें अंतर आ गया, जगह जगह है, तो हम लोग लिखते जाते हैं तो उसमें आ जाता है, घबराने की बिल्कुल नहीं, जो ये लिखावट हम लोग की एकदम परफेक्ट लेटेस्ट बुक से हो रही है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आ जाइए, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, कहेंगे किडनी में, बहुतों को नहीं पता होगा ये क्या होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, आपकी गलती नहीं है, आपने नहीं सीखा कोई बात नहीं, अब सीख लेगा, अब तो पता चल गया, बात खत्म। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, आगे बता रहे काम क्या, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। नोट, कह रहे एपिथेलियम, बहुत अच्छे, एपिथेलियम कौन सा, क्यूबॉइडल, आप पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कन्वोलेटेड कन्वोल्यूटेड पढ़िए इसको, देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, है ना। नेफ्रॉन्स के देखिए, नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आप अगर हम मोटा मोटा बना दें तो ऐसे कहके, फिर ये ऐसे कहके, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे कहके, ऐसे कहके जाता है, ये ट्यूबुलर पार्ट है। ये जो जो इसके इस वाले को ना, इसको ये बाउम पूरा ये कैप्सूल बन जाता है, बाउमन कैप्सूल बोलते थे, इसके जो पसमा रहता है इसको बोलते हैं पास वाले को, जैसे ये हमारा इस कंधे, ये शोल्डर, ये पास वाला रीजन है, ये दूर वाला, तो यानी इसके जो पास है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, इसके जो दूर है उसको बोलते हैं डिजिटल, डिजिटल डिस्टेंस पे एकदम, तो ये हाथ, यानी ये हमारा पंजा कहाँ है, डिस्टेंस पे, यानी डिजिटल पोर्शन हो गया ये, ये क्या है प्रॉक्सिमल, पास में, तो यही होता है प्रॉक्सिमल और डिजिटल का मतलब, बिल्कुल ये होता है डीसीटी, है ना, ये होता है क्या, हेलन लूप, ठीक है, ये होता पीसीटी, घबराने की जरूरत नहीं, फिर ये आके इसी तरह से और मिलके आगे जाके खुल जाते थे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग वहां कहां जाएंगे, बैक मतलब यही रहेंगे। यानी नोट द एपिथेलियम यानी क्विबॉडल ऑफ पीसीटी, पीसीटी का मतलब यहां बात आई है तो, बात आई है तो फिर लीजिए, कहे नहीं है ना, ठीक। तो एपिथेलियम यानी क्विबॉडल ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, पीसीटी आप किसका, नेफ्रॉन्स, पीसीटी आप किसका, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स में हैज माइक्रोविलाई, बहुत सही, याद रखिए जो क्विबॉडल वाली बात चल रही है ना, इसी क्विबॉडल में कह रहे हैं कि ये नेफ्रॉन में जो क्विबॉडल वाला पोर्शन है ना, एपिथेलियम या कौन सा एपिथेलियम कहेंगे, क्विबॉडल आप पीसीटी, पीसीटी का मतलब इसमें, यानी ये जो नेफ्रॉन का जो पीसीटी वाला पोर्शन है इसमें जो क्विबॉडल है उसमें आ जाती है माइक्रोविलाई, क्या होती है माइक्रोविलाई, समझेंगे इसको क्या होता है माइक्रोविलाई, दरअसल सेलुलर मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, सीलिया लाइक, नॉट सीलिया, नॉट फ्लैजला, दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये इस तरीके का विलाई, माइक्रोविलाई, जो इंटेस्टाइन में आपको जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो इसमें इस तरीके का मॉडिफिकेशन, ये ऊपर नहीं लगा रहता पहले, ये देखिए बहुत एग्जैक्ट, अगर इसका फिगर देखा जाए तो ऐसे जो मॉडिफिकेशन है ये होगा विलाई, और विलाई में फिर यहां से इस तरीके का मॉडिफिकेशन, ये ऐसे ऐसे, ये होता है ऐसे, इस तरीके से ये होता है माइक्रोविलाई, बात को समझिए। और ये जितना बड़ा दिख रहा है ये दरअसल इसी में एकदम बिल्कुल इंक्लूड रहता, पता ही नहीं चलता आपको, आपको क्या पता चलेगा, ये ऐसे आपको सिर्फ ऐसे 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 दिखेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये चीजें होती हैं इस तरीके से, ये केवल उसको बना दिया गया बड़ा करके, ठीक। तो वही चीज है, यानी द एपिथेलियम यानी क्विबॉडल ऑफ पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, कहां पे, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स हैज माइक्रोविलाई, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स हैज माइक्रोविलाई,
कहेंगे क्या, द इपिथिलियम ऑफ पीसीटी, किसका, क्यूबाइडल इपिथिलियम ऑफ पीसीटी, क्यूबाइडल इपिथिलियम, यानी इपिथिलियम कौन सा कहेंगे, क्यूबाइडल वाला, क्यूबाइडल इपिथिलियम ऑफ पीसीटी, क्यूबाइडल इपिथिलियम ऑफ पीसीटी, क्यूबाइडल क्यूब वाला पीसीटी है भैया, क्यूबाइडल पीसीटी है ना, क्यूबाइडल इपिथिलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स, किसका, नेफ्रॉन्स का, नेफ्रॉन्स का, हैज माइक्रोविलाई, और ये जो माइक्रोविलाई रख लेता है ना तो क्या हो जाता है, अब इसको उस वाले चैप्टर में ले जाके लिखे हैं, इनका जो अपियरेंस हो जाता है वो कैसा हो जाता है, इसको वहां क्या नाम दिया जाएगा, सिंपल क्यूबाइडल, ये देखिए ब्रश लाइक, ये बॉर्डर ब्रश, ब्रश जैसा हो जाता है, कहेंगे सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथिलियम, इनका फंक्शन क्या है, जो इनका फंक्शन है, सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्टिव, यानी सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, पूरी बात एकदम क्लियर हो रही है अच्छे से, देखिए द इपिथिलियम यानी क्यूबाइडल इपिथिलियम, किसका, पीसीटिया का, पीसीटिया का, देखिए ना एकदम क्या लिखा है, एकदम दिमाग में आएगा स्ट्रक्चर ये कब, जब हम लोग किडनी पढ़ेंगे तब, फिलहाल लेकिन हमें याद ही करके रखना है, नीट की तैयारी के लिए हमें पहला काम क्या करना है, याद करके रखना, तो आज तक हम अब तक के लिए इतना ही, यानी सिंपल क्यूबाइडल, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉलमनर इपिथिलियम को, सिंपल कॉलमनर इपिथिलियम, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब पैराग्राफ आप देख लीजिए, कह रहे हैं द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज, दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक बिल्कुल, एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, द क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ठीक, दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज, एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, अब आगे वहीं से शुरू किया इन्होंने, द इपिथिलियम, कौन सा इपिथिलियम, क्यूबाइडल वाला, वही द इपिथिलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लिखा ना ट्यूब्यूल, ट्यूब वाला व्यूल, ठीक है ना, ट्यूब्यूल पीसीटी जिसको कहा जाएगा, ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी हैज माइक्रोविलाई, और इसी के आगे वहां पे जाके लिखा जाएगा उस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन है, तो वहां पे लिखा है सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथिलियम, फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का, पूरी कहानी एकदम सिंपल स्क्वैमस, और इसके बारे में फिर से एक बार रिवाइज करिए, दो मिनट का, दो सेकंड तो बहुत कम बता दिए, अरे अब तक तो हो गया था, मेटअप ऑफ थिन लेयर, देखिए सिंगल तो रहेगा, इस भी सिंगल रहेगा, यहां पे क्या, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्री, हो गया काम, फाउंड इन ब्लड वेसल्स में, कहां पे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इन एयर सैक, मतलब एलोलाई, ठीक, वेसल्स में क्या आती है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, बात खत्म होगी, फॉर्म क्या बनाती है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, बन गई डिफ्यूजन बाउंड्री, इससे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा और कुछ फ्लूड भी आगे पीछे जाएंगे, ठीक है, चलिए यहाँ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर होगा क्यूब लाइक सेल्स का, देखिए बना हुआ सिंगल लेयर, आपकी किताब में भी बना हुआ, हमारी भी बना हुआ, सबके में बना हुआ, फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, क्यूबाइडल वाला डक्ट्स, क्यूबाइडल डक्ट्स, क्यूबाइडल डक्ट्स, क्यूबाइडल डक्ट्स, ट्यूबुलर डक्ट्स और ट्यूब एकदम एक ही नाम से मिलता जुलता है, क्यूबाइडल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबाइडल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबाइडल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबाइडल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबाइडल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबाइडल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, उसके बाद कह रहे हैं क्या, ये वाला स्क्वैमस, कहेंगे यहाँ पे स्क्वैमस वाला ब्लड वेसल्स एयर सैक का, वाला ब्लड वेसल्स एयर सैक, वाला ब्लड वेसल्स एयर सैक, स्क्वैमस वाला ब्लड वेसल्स एयर सैक, स्क्वैमस वाला ब्लड वेसल्स एयर सैक, स्क्वैमस वाला ब्लड वेसल्स एयर सैक, एकदम मारे धुआं कर दीजिए, कहीं नहीं आएगा, एकदम गैंग ऑफ वासेपुर हो जाएगा वो एक दिन, यही तरह यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बड़ा तगड़ा है बे, है ना, याद है कुछ, फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, द इपिथिलियम कौन सा इपिथिलियम, क्यूबाइडल इपिथिलियम ऑफ पीसीटी, पीसीटी किसका, नेफ्रॉन्स का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स हैज माइक्रोविलाई, क्या रखता है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ये भाई माइक्रोविलाई, ठीक, ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथिलियम, फंक्शन इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, एकदम याद करते हुए चलेंगे, अब जो पढ़ाई होगी एकदम धुआंधार होगी, याद रखिए एकदम, है ना, धुआंधार, फिर तू तूफान देख ले, खुदा पता चलेगा क्या होगा, है कि नहीं, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी, एकदम ऐसा धुआंधार एकदम पढ़िए, जो पीछे छूट गया सो छूट गया, जो आगे है उसको पहले देख लेंगे हम लोग, बाकी फिर एकदम एक तरफ से रिवाइज करते हुए चलेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, जो आप पढ़ेंगे एकदम याद करते हुए पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो एकदम पक्का कर लीजिए दिमाग में, ठीक, धन्यवाद।